नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बी टाउन हब चैनल में आज हम बात करेंगे शुभमन गिल के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुभमन गिल भारतीय टीम के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। 2018 में उन्होंने अपने करियर की पहली पारी खेली थी। भारतीय क्रिकेट टीम में शुभमन को 2019 में मौका मिला था। 2018 साल इनको आईपीएल में भी शामिल किया गया था। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को फाजिल्का पंजाब भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पंजाब में ही पूरी की है। उन्होंने मानव मंगल स्मार्ट स्कूल से ही अपनी स्कूल की पढ़ाई की है। इनके पिता का नाम लखविंदर गिल है जो कि पंजाब के एक किसान है। इनकी सफलता के पीछे इनके पिता और बहन का बड़ा हाथ बताया जाता है। शुभमन गिल जब 8 साल के थे तो इनके पिता इनको लेकर मोहाली चले गए, जहां इन्होंने एक मकान किराए पर लिया जिसके सामने PCA नामक क्रिकेट का मैदान था। वहीं पास में ही एक क्रिकेट इंस्टीट्यूट में शुभमन का एडमिशन करवा दिया, जहां से इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू कर दिया। शानदार बल्लेबाजी के प्रदर्शन के चलते इनको पंजाब की अंडर 16 में चुना गया। इसके बाद इनको पंजाब की अंडर 19 टीम की तरफ से भी खेलने का मौका मिला। यहां से इनको हरभजन सिंह जैसे महान खिलाड़ी से भी सीखने का अवसर मिला। उन्होंने अपने काम के लिए कई सारे अवार्ड्स भी जीते है। तो दोस्तों, यही सफर था शुभमन गिल के जीवन के बारे में। आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।